नमस्कार मैं हूँ शीतल मीना लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर राजस्थान आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे कि थर्मल स्टोरेज सिस्टम इलेक्ट्रिकल स्टोरेज सिस्टम केमिकल स्टोरेज सिस्टम एंड मैकेनिकल स्टोरेज सिस्टम तो आइए वन बाई वन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सोलर एनर्जी को स्टोर क्यों करना है और किस तरीके से करना है तो सोलर एनर्जी को स्टोर करके रखना है बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू डिलीवर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल लोड पावर डिमांड वैन इंसोलेशन इज़ लो मींस ऐसे समय पर जब सोलर एनर्जी आपके पास अवेलेबल नहीं है तब आप उसको उसको यूज़ कर सकते हो यानी कि सोलर एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम जब डिमांड ज़्यादा हो तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लाउडी एनवायरनमेंट यानी ऐसा समय जैसे क्लाउडी एनवायरनमेंट हो या रात का समय हो तब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है तो दिन के समय जब हमारे पास सोलर एनर्जी सूर्य की किरणें जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है उसको हम स्टोर करके रखें इस तर, इस तरीके से कि जब हमारे पास रात के समय या ऐसे समय जब सूर्य की सूर्य की किरणें इतनी नहीं हैं तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें टू तो परमिट अ बेटर मैच बिटवीन सोलर एनर्जी इनपुट एंड डिमांड आउटपुट यानी जित जितनी भी डिमांड है जितनी भी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो इनपुट है सोलर एनर्जी जितनी भी हमें मिल रही है अवेलेबल है उसको कैसे स्टोर करके रखें ताकि हम अपनी डिमांड पूरी कर सकें बी लोकेटेड क्लोज टू द लोड देयर बाय मिनिमाइजिंग द नीड फॉर कॉस्टली ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन की डिमांड वगैरह भी ट्रांसमिशन uh, की कॉस्ट भी मिनिमाइज कर सकें तो इस तरीके से जो है सोलर एनर्जी को स्टोर करके रखना जब ज़रूरत पड़े जिस जगह पे जरूरत पड़े वहीं पे हम ऑलरेडी पहले से स्टोर करके रखें तो हम उस डिमांड को टाइम पर और विदाउट एनी कॉस्ट पूरी कर सकते हैं तो सबसे पहले जो हमने देखा था टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम में आता है सबसे पहले थर्मल स्टोरेज यानी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर कर करके रखना है सोलर एनर्जी को तो थर्मल एनर्जी दो तरह की होती है सेंसिबल हीट स्टोरेज और लेटेंट हीट स्टोरेज तो सेंसिबल हीट स्टोरेज में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर चेंज जो हीट हम जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट तो इट इन्वॉल्व एरेंडकुस्ट फेज चेंज नहीं है यहाँ पर एक ही फेज में रहेगा मटेरियल और जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा तो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस है टू टी वन तो टोटल थर्मल एनर्जी कैपेसिटी जो है साइकिल की वो बिटवीन टेम्परेचर टी वन और टी टू काम कर रही है तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो जैसे कैरेक्टर लगा रखा है जहाँ से हम सन रेज को इकट्ठा कर रहे हैं और पंप के जरिए हम क्या कर सकते हैं स्टोरेज टैंक में इसको स्टोर करके रख सकते हैं तो जो फ्लूड जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन फ्लूड है वो है वाटर है तो वाटर को हम इंसुलेटेड टैंक के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं पानी को सन की रेज के थ्रू गर्म करके हीट हीटेड वाटर को आप स्टोर करके रख सकते हो उसी तरीके से आप एयर को भी स्टोर करके रख सकते हो दैन दूसरे मीडियम जो है ग्रेबल है दे हैव द एडवाटेज ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज हीट ट्रांसफर सर्फेस रहता है एंड ईजीली कंटेंट दैन वाटर तो रॉक्स ऑल्सो एक्ट एज हीट एक्सचेंजर कैन स्टोर एनर्जी एट मच हाई टेम्परेचर दैट इज मोर देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो इस तरीके से ये जो सारे मीडियम हैं वो अपने अंदर हीट एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो है लेटेंट हीट स्टोरेज लेटेंट हीट स्टोरेज मींस फेस चेंज हो रहा है यानी कि कोई भी मटेरियल जो है अगर वो मेल्ट होता है तो यानी कि वो हीट एनर्जी को एबजॉर्ब करके वो मेल्ट हो रहा है उसका फ़ेस चेंज हो रहा है और अगर उसको फ्रीज कर रहे हैं तो यानी कि हीट एनर्जी उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल शुड हैव हाई लेटेंट हीट होती है उनमें और फेस चेंज जो होता है रिवर्सिबल साइकिल रहती है इसमें लो कॉस्ट है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी रहती है लाइक हीट एक्सचेंज है स्टोरेज मटीरियल्स प्लेसड इन लॉन्ग थिं कंटेनर्स के अंदर हम स्टोरेज मटेरियल को रखेंगे एंड गैस इज पास थ्रू नैरो स्पेसिस बिटवीन ट्यूब्स तो इस तरीके से गैस को पास करके हम पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है उसको एक पर्टिकुलर फेस चेंज करके उसमें से हीट हीट को पर्टिकुलर टाइम पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जब हमें जरूरत पड़े तो हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो ग्लोबल सॉल्ट है देन so, वाटर है दे आर मोस्टली यूज एज हीट ट्रांसफर मटेरियल अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट को भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ हीट स्टोरेज मटेरियल द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप स्टोर करेंगे तो वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तो एनर्जी uh, स्टोर कितनी होगी एच एस इक्वल्स टू हाफ वी ई ई स्क्वायर तो इसमें वी जो है वॉल्यूम ऑफ डाई है स्मॉल ई कॉन्स्टेंट एंड कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है तो दो कंडक्टर्स को आप सेपरेट करके रख सकते हो इंसुलेटर की मदद से जो कि डा है और आप एक कैपेसिटर बना सकते हो तो एक कैपेसिटर जो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है तो डाईलैक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बारह घंटे तक आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हो और प्रेजेंटली माइका जो है बेस्ट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसको आप जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रख सकते हो दैन नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है केमिकल स्टोरेज केमिकल स्टोरेज में भी आप जैसे स्टोरेज इन फ्यूल किसी फ्यूल के अंदर स्टोरेज करके रख सकते हो अदरवाइज थर्मोकेमिकल स्टोरेज भी रहता है तो इसमें आप देख सकते हो स्टोरेज इन फ्यूल्स कैसे रख रहता है कि रिएक्टेंट इज़ जनरली फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन होती है सोलर रेडिएशन के थ्रू तो बैटरी को क्या कर सकते हैं हम फोटोकेमिकली चार्ज कर सकते हैं डिस्चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली जब भी ज़रूरत हो तो उसमें आप ये ले सकते हैं ए जी सी एल प्लस फोटोन्स तो इस रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि आपने क्या कर रहा है कि इसको चार्ज करके रखा है पहले से और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हो सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो भी यूज बाय द फॉर्मेंटेशन ऑफ एलगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच एन विच इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल जो मीथेन है तो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फिर रिलीज करता है थर्मल एनर्जी इस तरीके से फोटोसेंथेसिस रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है वो भी क्या करता है कि स्टोर कर करके रखता है द प्रजेंस ऑफ लाइट हीट एनर्जी को एंड रिलीज एज कार्बोहाइड्रेट्स एट हाई टेम्परेचर इन द थर्मल फॉर्म थर्मल एनर्जी के फॉर्म में नेक्स्ट फॉर्म है मैकेनिकल स्टोरेज इसमें तीन तरीके के स्टोरेज है पम्प हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज एंड फ्लाई व्हील स्टोरेज पम्प हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर को जब डिमांड हो तो आप क्या कर सकते हो कि वाटर को पंप कर सकते हो लोअर लेवल से हायर लेवल पर एंड व्हेन देर इज़ अ नीड ऑफ़ पावर और जब पावर की ज़रूरत हो तो वाटर को वापस फ्लो बैक कर सकते हो हायर टू लोअर लेवल तो उससे क्या है जैसे कि पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो बिल्कुल उसी फॉर्म में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो हायर रिजर्व लेवल से आप लोअर रिजर्व लेवल पर वाटर को फ़्लो करे करोगे और कैनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करोगे मैकेनिकल एनर्जी में टर्बाइन के थ्रू एंड देन मैकेनिकल एनर्जी थ्रू जनरेटर क्या कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देन कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज में आप क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ विंड टर्बाइंस आप यूज कर सकते हो स्टोरेज ऑफ एनर्जी तो इसमें क्या है कि विंड टर्बाइंस के थ्रू व्हेन विंड इज़ नॉट ब्लोइंग एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड एयर तो कंप्रेसर यहाँ पे लगे हुए हैं जैसे विंड टर्बाइन का डायरेक्ट कनेक्टेड है मोटर के थ्रू देन बीच में कंप्रेसर्स हैं एंड टर्बाइंस हैं तो कंप्रेसर्स के थ्रू हम जब भी जरूरत पड़े टर्बाइंस को मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो ये था आपका कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज एंड देन नेक्स्ट इज फ्लाई व्हील तो फ्लाई व्हील भी आपको पता ही है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है फ्लाई व्हील इज डिवेन बाई इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू आप फ्लाई व्हील को चला सकते हो स्टोर्स मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन ऑफ़ फ्लाई व्हील कैन बी यूज टू ऑपरेट फ्लाई व्हील की मदद से आप जनरेटर को मूव कर सकते हो एंड द सेम मशीन एज अ मोटर वन इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई करोगे तो ये आपको क्या करेगी कि जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो ये जनरेटर की तरह काम करेगी तो जनरेटर रिकवरी एफिशेंसी एनर्जी रिकवरी एफिशियसी जो है इसमें अकॉर्डिंगली नाइन्टी परसेंट है तो इस तरीके से एक व्हील जो है सेंटर पॉइंट है तो एक तरीके से इस इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हो और आप स्टोर कर करके भी रख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में देन नेक्स्ट जो स्टोरेज करते हैं हम सोलर एनर्जी का तो उसका दूसरा तरीका है सोलर पॉन्ड्स के रूप में भी आप स्टोरेज कर सकते हो तो सो सोलर पॉन्ड क्या होता है सोलर पॉन्ड एक बेसिकली छोटा तालाब जैसा होता है पानी का सोलर पॉन्ड इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट कलेक्ट्स कलेक्ट एंड स्टोर सोलर एनर्जी सूर्य की किरणें जो है दिन के समय जो गिरती है इस पानी के ऊपर तो वो क्या है आपको स्टोर करके रखनी है तो इसमें क्या होता है कि जैसे सरफेस लेवल पर अगर हीट हीट रेज सन रेज आएंगी तो सरफेस लेवल का वाटर क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा देन द कोल्डर वाटर तो वंस इट रीचेज द सर्फेस वाटर लूजेज इट्स हीट टू द एयर थ्रू कन्वेक्शन कन्वेक्शन के थ्रू नीचे की तरफ हीट ट्रांसफर हो सकती है इसमें देन द कोल्डर वाटर विच इज़ हेवियर मूव्स डाउन टू रिप्लेस द वार्म वाटर तो कोल्डर वाटर जैसे ठंडा पानी है वो ज़्यादा हैवी रहेगा तो वो वो भी नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस तरीके से कन्वेक्शन सर्कुलेशन होगा पानी के अंदर जो कि मिक्स करता है पानी को और हीट को क्या फैलाता है ट्रांसफर करता है तो सोलर पौंड को हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि कन्वेक्शन ना हो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र ना हो जहाँ पर भी हीट रेस गिरे वो वहीं पर स्टोर हो जाए हीट तो इस तरीके से हम सोलर पॉन्ड बनाएंगे जिसमें इवेपोरेशन और कन्वेक्शन ना हो तो सोलर पॉन्ट कैन स्टोर हीट मच मोर एफिशिएंटली दिन द बॉडी ऑफ वाटर ऑफ द सेम साइज़ बिकॉज सैलडिटी प्रिवेंट कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ सॉल्ट ऐसे मिलाएंगे इसके अंदर जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होगा हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो हीट कलेक्शन ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हैं कि सोलर पॉन्ड में हम किस तरीके से लेयर प्रोवाइड करते हैं इसको तीन लेयर में डिवाइड किया गया है अपर कन्वेक्टिव जोन बीच वाला है नॉन कन्वेक्टिव जोन और नीचे वाला है लोअर कन्वेक्टिव जोन तो अपर कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है कि इस सरफेस पे इट सर्व्स एज अ बफर जोन बिटवीन एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन एट द सर्फेस एंड कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लेयर तो यहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे जो भी सन रेज के थ्रू हीट कलेक्ट होगी वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होती है बीच में हम बनाएंगे इंटरमीडिएट ग्रेडियंट जोन ग्रेडियंट विच सर्व एज अ नॉन कन्वेक्टिव तो यहाँ पर जो है ये एक नॉन कन्वेक्टिक जोन होगा जो कि थिकर होगा और आक्यूपाइज मोर देन हाफ डेप्थ ऑफ द पॉन्ट तो इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा रखेंगे जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा लोअर कन्वेक्टिव जोन दिस द हाइएस्ट सॉल्ट कंसनट्रेशन जोन जो नीचे है यहाँ पर सॉल्ट कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा तो ये ऑलमोस्ट थिक रहेगा एज द मिडल नॉन कन्वेक्टिव जोन तो इस तरीके से तीन लेयर्स जो हैं तो इसमें क्या इक्वलीबियम सोलर बॉन्ड इन दस नॉन इक्म स्टेशनरी स्टेट पर हम मेटेन करने के लिए क्या करेंगे कि इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाई मॉलिकुलर डिफ्यूजन लोअर कन्वेक्टिव जोन से अपर कन्वेक्टिव जोन जो सॉल्ट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे दिस मीन्स दैट सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू यानी कि नीचे की तरफ सॉल्ट लगातार ऐड करते जाएंगे और फ्रेश वाटर अपर कन्वेक्टिव जोन में एड करते जाएंगे वाइल ब्राइन को रिमूव करना है हमें तो सर्फेस एरिया ऑफ द पॉन्ड एफेक्ट द अमाउंट ऑफ सोलो एनर्जी इट कैन कलेक्ट तो सर्फेस एरिया एरिया एरिए जितना है वो भी अफेक्ट करेगा कि भाई कितना हीट एनर्जी आप स्टोर करके रखते हो तो डार्क सर्फेस एट द बॉटम तो पॉन्ड के नीचे की तरफ हम डार्क सरफेस बना के रखेंगे जो कि इंक्रीज़ करेगा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में और दूसरी चीज़ जो हम सॉल्ट ऐड करेंगे जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड जो हम पानी में सॉल्ट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कॉन्सनट्रेशन डेंस हो जाएगा एट द बॉटम एंड जो कॉन्सन्ट्रेशन सॉल्ट का है वो टॉप पर कम रहेगा तो इससे क्या होगा कि हीट नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होकर और वहीं पर कलेक्ट हो जाएगी डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर पॉइंट्स अवेलेबल है जिसमें कन्वेक्टिव सोलर पॉइंट्स इस तरीके के होते हैं कि इसमें दिस पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एंडलोज इन लार्ज बैग दट अलाउस कन्वेक्शन बट हिंडस एवेबरेशन यानी कि यहाँ पर कन्वेक्शन मतलब हीट ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन एवेपरेशन नहीं हो रहा है यानी कि ट्रांसफ़र नहीं हीट जो है वो हवा हवा में एटमोसफियर में एवेपोरेट नहीं हो रही पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो यहाँ पर हमने क्या किया एक प्लास्टिक का ब्लैंकेट जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो प्लास्टिक का ब्लैंकेट बना रखा है हमने जिससे कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग आप प्रोवाइड करते हो टॉप पे शीट्स ऑफ प्लास्टिक्स या ग्लास तो सन हीट्स द वाटर वाटर को हीट करेगा ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट हम क्या करेंगे थोड़ा सा हॉट वाटर पम्प करेंगे यहाँ पर ताकि उसका टेम्परेचर मेनटेन रहे टेम्परेचर रिड्यूस ना हो तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे की जो लेयर है वहाँ पर उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है मॉइस्चर बैरियर भी प्रोड्यूस प्रोवाइड किया गया है और ब्लैक पेंट भी प्रोवाइड किया गया है तो इस तरीके से यहाँ पर जो है टेम्परेचर हम लोग मेनटेन करके रखते हैं नेक्स्ट जो है वो है नॉन कन्वेक्टिव सोलर पॉइंट्स So they are usually called as salt-graded pots. They have three distinct layers of brine.

क्या कर सकते हो एवेबरेटर के थ्रू हीट रिमूव कर सकते हो अनदर मेथड ऑफ द हीट रिमूवल इज टू एक्सट्रैक्ट हीट विद द हीट ट्रांसफर फ्लूड तो कोई भी फ्लूइड हीट एक्स हीट एक्सचेंजर के थ्रू आप फ्लो कर दो वहाँ पर तो आप वहाँ से उसकी हीट को यूज कर सकते हो तो आप देख सकते हो जैसे कि पावर प्लांट जो है वहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सोलर पॉन्ड पर उसके सर्फेस पर जो सोलर uh, रेडिएशन गिर रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है इस हीट प्रोडक्शन का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया एवेपरेटर से तो एवेपरेटर पे जो भी जो भी फ्लूड फ्लो कर रहा है एवेपरेटर से जैसे कि कोल्ड वाटर फ्लो कर रहा है तो वो इस सोलर पॉइंट के थ्रू फ्लो होकर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर हम उसको हॉट वाटर को हम क्या कर सकते हैं टर्बाइन पर भेज सकते हैं और वहाँ पर वो टर्बाइन को मूव कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा जो वाटर जो है उसको हम वापस कंडेंसर के थ्रू भेज सकते हैं और उसको वापस से उसको ठंडा कर सकते हैं तो इस तरीके से एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है जैसे कि आप पावर स्टेशन में आप देखते हो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंसी जो है इस सोलर पॉन्ड की जो काफ़ी कम रहती है तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो साइकिल की कानोट साइकिल के बेसिस पे रहता है ये तो अगर टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वा एटी डिग्री सेल्सियस पे और लोअर टेम्परेचर यानी एपरेट अगर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे है और पॉन्ड का टेम्परेचर एटी डिग्री सेल्सियस तो हमें एफिशियसी अराउंड सेवेंटीन तक मिलेगी एडवांटेज सोलर पॉन्ड के ये रहते हैं कि वो एक तरीके से एन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है एक हमारा रिन्यबल एनर्जी सोर्स है एंड इट कैन बी यूज फॉर मैनी मैनी टाइप्स ऑफ पर्पजेज फॉर द हीटिंग ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लूड्स नो नीड ऑफ सेपरेट कलेक्टर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती और मैंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें कम होती है सोलर पॉन्ड की एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि इंडिया में जो फर्स्ट सोलर पॉन्ड जो बनाया गया है वो है भुज में भुज गुजरात में जो है सिक्स थाउजेंड मीटर स्क्वायर पर एरिया का एरिया है उसका तो प्रोजेक्ट जो है जो नेशनल सोलर पॉन्ड प्रोग्राम द्वारा सेंक्शन किया गया था 1987 और कंप्लीट हुआ था 1993 और जो मेन एप्लीकेशन मन में आप एग्जांपल देख सकते हो कि इसराइल में जो बीट हरावा करके जो सोलर पॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिसका एरिया है टू लैख टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिसिटी जो फाइव मेगावाट्स जनरेट कर सकता है तो ज़ीरो पॉइंट एट एकर सोलर पॉन्ड है ये जो ट्वेंटी फ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ब्रूज फूड कारपोरेशन ऑपरेशन में ये इस्तेमाल में लिया जाता है तो टैक्सिस द सेकेंड लार्जेस्ट इन द एस इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट एवर सॉल्ट ग्रेडियन सोलर पॉन्ड जो बनाया गया था यू में सबसे पहला तो मेन अपना कंक्लूजन ये निकलता है कि सोलर पॉन्ड जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से एक रीन रीनिबल एनर्जी सोर्स को आप यूज़ कर सकते हो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू और ये रिप्लेस कर सकती है इंडस्ट्रीज़ को और फॉजिल फ्यूल्स को जो कि एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है जैसे कि आप हीटिंग में रेफ्रिजरेशन में डी में प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइन रिकवरी फ्रॉम बिटन एनहांसमेंट ऑफ सॉल्टीड इन सॉल्ट फॉर्म्स तो काफ़ी जगह पर इसकी एप्लीकेशन है इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसको हम फ्यूचर में ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर पावर एनर्जी सोलर सिस्टम तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाले सिस्टम्स थैंक यू वेरी मच